नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ई श्रम कार्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अब बात ये आती है कि स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बना सकते हैं या नहीं। गवर्नमेंट के मुताबिक ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं वो अन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर वर्कर के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि अगर आप किसी भी तरीके का अन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने कार्ड बना सकते हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक स्टडी करना कोई काम नहीं है, जिस पे इस बिहेव पर कोई भी स्टूडेंट कार्ड नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट कार्ड नहीं बना सकते हैं, कार्ड आप बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट की पढ़ाई की जो जर्नी है उसकी करीब 30 से 35 साल तक चलती रहती है। इन 30-35 सालों में अगर आप पढ़ाई के साथ कोई भी वर्क करते हैं, जीवन यापन के लिए कोई भी साथ में वर्क करते हैं, जैसे कि मैंने देखा हूँ अक्सर पढ़ाई के साथ बहुत सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ मेडिकल स्टोर में काम करते हैं, कुछ होम ट्यूशंस वगैरह, कुछ कोचिंग चलाते हैं, इस तरह से अपना अपना वर्क करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो वो भी स्टूडेंट अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप मिस्टेक से, बाय द वे, अगर आपने कार्ड बनवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब आपका पढ़ाई के साथ आपका कार्ड बन गया है तो आपका नौकरी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब आपका एजुकेशन पर्पज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ दिन पहले इस मैसेज को मतलब फॉरवर्ड किया गया था व्हाट्सएप में कि मतलब कि ई श्रम कार्ड जो स्टूडेंट बना लिया है उसका पढ़ाई में मतलब दिक्कत होगा या नौकरी में दिक्कत होगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक नोटिस जारी किया है कि अगर आपने कार्ड बनवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं बनवाया, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बेशक आप बनवा सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि कार्ड जो बनाने का मिनिमम एज है 16 ईयर से लेकर 60 ईयर तक, मतलब अपना 16 ईयर से लेकर 60 ईयर तक अपना कार्ड बनवा सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप कार्ड बनवाना चाहते हो तो कार्ड बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर आपने कार्ड नहीं बनवाया है तो, अगर आपने कार्ड बना लिया तो आपका नौकरी में कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो गाइज, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना, अगर आपने मिस्टेक से अपना कार्ड बनवा लिया है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंट हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं कार्ड को, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपना ई श्रम कार्ड को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ई श्रम कार्ड मैंने बनवा लिया। बहुत सारे लोग अभी डर रहे हैं कि मेरा ई श्रम कार्ड बन गया है तो आगे चल के मेरा नौकरी में कुछ प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप में मुझे खुद मतलब टैग किया, मतलब फेसबुक में मुझे टैग किया कि ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं सर, मतलब क्या आगे कुछ दिक्कत होने वाला है। बहुत सारे लोग मतलब इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए हैं कि जिसने ई श्रम कार्ड बनवा लिया उसको आगे दिक्कत होगा नौकरी में। ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने बनवा लिया कोई बात नहीं। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो को आपको देख के अपना कार्ड अगर डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।